नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर मुंगेर से है। ज्यों ज्यों बिहार में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों की रफ्तार तेज कर रही है। इसी क्रम में मुंगेर जिला जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के धरहरा प्रखंड स्थित पंचरुखी गांव में जन अधिकार पार्टी के भावी प्रत्याशी महेश यादव आवास पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद पप्पू यादव मुंगेर आगमन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। एक तो हमारे साथी महेश यादव जी अभी 15 दिन पूर्व हमारी पार्टी को ज्वाइन किया और इनको मिलाने हम लोग पटना ले गए। हमारी पार्टी सच के बुनियाद पर खड़ी है और सच ही हमारा आदर्श है और हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मजबूत है। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो बोल गए वो नहीं बोलना था, झूठ सही हम लोग को नहीं आता है ना हमारे नेता पसंद करते हैं। अभी हम लोग संभावित प्रत्याशी के रूप में हैं, किसी को पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आश्वस्त नहीं किया गया, चाहे हम मुंगेर से हों, मालपुर से महेश जी हैं, तारापुर से क्रमवीर भारती हैं। इन तीनों से अगर हमारी पार्टी मुंगेर चुनाव लड़ेगी तो इन तीनों से बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन तालमेल में किसी कारण से अगर सीट जाता है उसकी भी चिंता हम लोग को नहीं है। जो हमारे पार्टी के नेता हम लोग को दिशा निर्देश देंगे, हम लोग एक कर्मठ सिपाही के रूप में उनके आदर्श पर चलने का काम करेंगे। और रहा इस मीटिंग की आवश्यकता कि हमारे नेता ने आश्वस्त किया है, हम लोगों ने डिमांड किया था कि एक स्नेहा मंडल हत्याकांड जो हुआ था उसके कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सक रहा है, CBI की जांच हम लोगों ने उस पर मांग की है। उसको लेकर के हमने कहा अपने नेता से, जिस तरह से आपने सुशांत सिंह के लिए लड़ाई लड़ी और CBI की जांच तक पहुंच गई वो मामला, इस लड़ाई को भी अपने कंधों पर ले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं एक सप्ताह दस दिन के अंदर मुंगेर उनका आगमन होगा। तो हम लोग इस तैयारी समिति की तैयारी कर रहे हैं कि उनके आगमन पर भव्य तैयारी हो और संगठन का विस्तार के लिए भी ये बैठक बुलाई गई है और सदस्यता अभियान भी चलेगा आज से। इस पार्टी का, जन अधिकार पार्टी का कैंची छाप चुनाव चिन्ह बदल देना, आयोग के द्वारा एंड टाइम पर हमारा हॉकी बॉल चुनाव चिन्ह छीन करके ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये भाजपा की बहुत बड़ी साजिश है। मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से, जो उनका कमल चुनाव चिन्ह है, सबसे पहले कमल चुनाव चिन्ह को बदला जाए, क्योंकि वो धर्म का एक प्रतीक है, किसी भगवान की सवारी के रूप में काम आती है। इसलिए ऐसे चुनाव चिन्ह को, धार्मिक धर्म का प्रतीक हो, इससे सबसे पहले छीना जाए और उन्हें भी कोई दूसरा सिंबल दिया जाए, तभी दूसरी पार्टियों का चुनाव चिन्ह बदला जाए। तो टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर हम लोग टाइम देंगे। कुछ दौर से उनका चुनावी दौरा भी, चुनाव की शुरुआत है, चुनावी बिगुल फूंकी जाएगी मुंगेर विधानसभा, तीनों विधानसभा।